हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको पेपर कटिंग से कपड़े पे कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। ऐसे वीडियोस मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो यहाँ पर ये मेन साड़ी, ये साड़ी है, तो साड़ी के ब्लाउज हमने निकाल लिए हैं और ये अस्तर वाले ब्लाउज की हमें कटिंग करनी है। यहाँ ये इसकी बॉर्डर लगी हुई है, तो चलिए मैं यहाँ पर साड़ी आपको दिखाती हूँ। तो साड़ी पूरी वर्क वाली है और जो ब्लाउज़ है वो उसमें सिर्फ एक बॉर्डर दिया है, बाकी कपड़े इसके एकदम प्लेन हैं। तो हमें इसकी कटिंग करनी है। तो बहुत सारे ये बिगनर्स हैं जिन्हें हेवी साड़ी के ब्लाउज़ कटिंग करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए ही बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े निकाल लिए हैं ब्लाउज़ के, और अब चलिए पेपर कटिंग से, मैं पेपर कटिंग मैंने बता रखी है और अब उसी पेपर कटिंग से कपड़े पे रख के कैसे कटिंग करते हैं ये मैं आज बताने वाली हूँ आपको। ये अस्तर के कपड़े हैं, ये मेन फैब्रिक है। चलिए साड़ी को मैं हटा देती हूँ, उसका कोई काम नहीं है अभी। और हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक ब्लाउज की और अस्तर दोनों को ले लिया है, पेपर कटिंग से हम करने वाले हैं। पेपर कटिंग मैंने पेपर पे ही किया था, अखबार वाले पेपर पे, और यहाँ पे उसे मैंने ऐसे कार्डबोर्ड पे ऐसे रख के कटिंग कर ली है जिससे कि ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि पेपर पे कटिंग कर लीजिए, कीजिए जितनी कटिंग कर सकते हैं कीजिए। जब आपको लगे कि ये आपकी जो कटिंग एकदम परफेक्ट हो गई हो, फिर उसे आप कार्डबोर्ड पे डाल के कटिंग करके रख लीजिए जिससे कि वो लॉन्ग टाइम चलते हैं, फटते नहीं हैं जल्दी। और यहाँ पे अब चलिए मैं अस्तर को खोल लेती हूँ और अस्तर पे हम डालेंगे और डाल करके हम कटिंग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कटिंग कर रही हूँ, तो पहले हम मैं बैक पार्ट को डाल रही हूँ यहाँ पे। और बैक पार्ट को जब भी हम कटिंग करेंगे तो हमेशा अगर बैक पार्ट को बंद रखना है और फ्रंट से ओपन करना है, तो बैक पार्ट को हम यहाँ पे फोल्डिंग वाले साइड में बैक पार्ट को मैं लूँगी, और नेक वाला जो साइड होता है उसे फोल्डिंग वाले तरफ रखना है, जैसे किनारे में। और यहाँ नेक कटी हुई है, तो हमें यहाँ पे नेक मैं बनाने समय ही कटिंग करूँगी, क्योंकि ये डिजाइनर ब्लाउज के जो बैक नेक है और जो इसकी स्टिचिंग है वो मैंने पूरी डिजाइनर बैक नेक में बताई है, तो इसकी स्टिचिंग भी ज़रूर देखिएगा आप। और यहाँ पे मैं बराबर से, ऐसे भी अगर डिजाइनर नहीं होते हैं तो भी मैं बैक पार्ट के गले ऐसे ही निकालती हूँ, बाद में उसे हमें कैनवास पे डाल के अगर बनाना हो तो मैं ऐसे बनाती। तो आप भी ऐसे ही करेंगे, आप भी नेक की कटिंग वहाँ पे मार्किंग पेपर पे ज़रूर करेंगे, यहाँ नहीं कट करेंगे उसे। अब यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है उसे भी रख कर के उसे भी बराबर जैसे जैसे पेपर कटिंग जितनी है उतनी ही लेनी है। अगर थोड़ी बहुत आपको बढ़ानी है तो मार्जिन, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बढ़ाइएगा। वैसे आपको पेपर कटिंग में ही मार्जिन बढ़ा लेनी होती है। तो इसी तरह से रख करके हम पेपर कटिंग को रखते जाना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए मैं यहाँ मार्किंग कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही मार्किंग करनी है। बहुत ही आसान होता है, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही है, जिनको आती है उन लोगों के लिए देखिए आप कार्डबोर्ड पर कर आप कर लेंगे ना, तो सबसे बड़ी आसानी हो जाती है कि थोड़ी कड़क होती है तो मार्किंग करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और यहाँ से मैंने टक्स के लिए भी ये कर लिया है, तो चलिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो बाकी जो पार्ट्स हैं उसे भी अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद बेल्ट वगैरह भी करनी है। यहाँ हो गई है ये मार्किंग, तो चलिए अब कटिंग करना शुरू करेंगे। इन सबको पहले हटा लीजिए, और जो कहीं पे अगर छुट्टी हुई है तो उसे बराबर ले लीजिए। और यहाँ बेल्ट डाल करके बेल्ट की कर लेती हूँ, क्योंकि हमें कपड़े अच्छे खासे इसमें बचाने हैं। इसकी जो स्लीव्स है वो लंबी है, तो लॉन्ग स्लीव्स के लिए मतलब 10 इंच की इसकी स्लीव्स बनानी है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आप कपड़े को ढंग से बचाते हुए ही कटिंग करें। और उसके बाद स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे, तो चूंकि इसकी चेस्ट 32 इंच है इसलिए इस कपड़े में हम निकाल लेंगे आसानी से इसे। तो इसकी मार्किंग इसकी भी बेल्ट की भी हो गई है, अब इसे हटा लीजिए और इसकी पूरी जैसे जैसे मार्किंग है वैसे वैसे कटिंग कर लेते हैं। Telling me to stop, hey, got 20 G's for the keys to the, what do you do when Captain turn your bubble to a
what up, ayy. I'm in the island on a Wednesday. Laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles in the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, okay, acting OC like I just tried. Ayy, shorty the school to my rockin', I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, it's all lie when they know the truth. Ayy, it's all cry in the end when she leave and you take your juice. Cool. Ayy, I'm rollin' clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the... बाकी पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है, अब यहाँ बची स्लिप्स, तो चलिए अब स्लिप्स की भी कटिंग कर लेते हैं। और स्लिप्स की कटिंग चूँकि 10.5 इंच हमें कटिंग करनी है यहाँ पे, तो मैंने कपड़े फोल्ड करके यहाँ पे डबल फोल्ड में कपड़े हैं, जिससे कि दोनों स्लिप्स की यहाँ पे कटिंग एक साथ हो जाएंगी। और उसके बाद जो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ कि हमें कितनी लेनी है, उतनी पे मार्किंग करके उसके बाद जो स्लीव्स की पेपर कटिंग है उसे डाल के उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करते हुए कट कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पे ये रख लेते हैं और इसे ऐसे रखना है और मार्क कर देना है। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से पेपर कटिंग से पूरी कटिंग हो गई है और कम कपड़े में कटिंग हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि कम कपड़े में अगर आपको कटिंग करनी है तो आपको पेपर कटिंग से ही कटिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि कम कपड़े में। नहीं तो जब हम कटोरी की कटिंग अगर मेन फैब्रिक पे अस्तर पे डाल के करेंगे तो आपको वहाँ पे अस्तर कपड़े ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो ज़्यादा कपड़े लगाने से अच्छा है कि पेपर कटिंग डाल के आप कटिंग कर लीजिए। यहाँ पे ये अब मेन फैब्रिक है, तो चलिए अब मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर है इसे हमें डिजाइंस डालनी है, स्लीव्स बनानी है। तो यहाँ पे मैं उसके साथ में डायरेक्ट नहीं लेने वाली हूँ, इसे मैं साइड कर दूँगी और बाद में हम इसे कट करके निकाल लेंगे पूरे बॉर्डर को, उससे डिजाइन डालनी है। तो चलिए यहाँ पे अब जो भी पार्ट्स हैं ब्लाउज के उसे डाल करके हमें कटिंग कर लेनी है सबकी। I'm in the island on a Wednesday. Laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles in the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, okay, acting OC like I just tried. Ayy, shorty the school to my rockin', I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, it's all lie when they know the truth. Ayy, it's all cry in the end when she leave and you take your juice. Cool. Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the... What do you
up, hey. Got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a up? Telling me to stop, hey. Got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op, hey? I'm rolling clean off a beat. तो इस तरह से आपने देखा कि सारे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है और ये बॉर्डर है, इसे हमें स्लीव्स और बैक पार्ट दोनों रेडी करने हैं। तो वो भी मैं आपको जो स्टिचिंग वाली वीडियोस में दिखाऊंगी कि मैं इसके बैक पार्ट कैसे बनाने वाली हूँ। और इस तरह से ये हो गई है इसकी पूरी कटिंग। सो पेपर कटिंग से आपने देखा कितनी आसानी से हो गई है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो अस्तर के कपड़े हैं उसे थोड़ा सा आपको बढ़ा करके मेन फैब्रिक को कटिंग करना है, जिससे कि अगर थोड़े से रेशे वगैरह निकले भी तो कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके कपड़े मेन फैब्रिक छोटे ना पड़े। तो इस तरह से हमारी जो ये है ये कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपको यहाँ देख सकते हैं पेपर कटिंग है। तो आप जब भी पेपर कटिंग कर ले, मैं पेपर कटिंग बताती हूँ, उसके बाद मैं उसे ऐसे कार्डबोर्ड पे से ये मार्क करके मैं इसे कटिंग करके रख लेती हूँ, जिससे कि बहुत आसानी हो जाती है। तो आप भी ऐसे ही किया कीजिए। इस तरह से देख सकते हैं बराबर है। और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिलने के लिए। और किसी तरीके के कोई भी प्रॉब्लम हो कटिंग या स्टिचिंग से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मेरे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, ताकि मैं उसका जवाब आपको दूंगी। आपके कोई भी डाउट है तो उस डाउट को मैं क्लियर करूंगी। और इसके साथ ही आपको कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, कुछ अलग से कुछ नया जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।